हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उर्मिला है और मैं केनिया रहती हूँ, केनिया के एक छोटे से शहर में जिसका नाम है ठीका। आज हम जा रहे हैं नैरोबी ग्रोसरी शॉपिंग और कुछ और सामान खरीदने के लिए। अभी ये मैं जो व्यू दिखा रही हूँ, ये नैरोबी का व्यू है। ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं, इसमें इंडियंस रहते हैं, मिक्स है, इंडियंस भी रहते हैं, केनियंस भी रहते हैं। अभी हम पहुँचे हैं वेस्ट गेट मॉल में। ये मॉल काफ़ी पुराना है और इस मॉल में 2014 या 15 में आतंकवादियों का हमला हुआ था और काफ़ी डिस्ट्रॉय कर दिया था, बहुत लोगों को मारा था। अब हम इस मॉल में जा रहे हैं। ये यहाँ की एंट्री है। बहुत लोगों को गलत फहमी है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है वो काफ़ी गरीब है, इसलिए वहाँ पे कुछ सामान मिलते नहीं है, कुछ मीन्स देखना भी चाहते हैं कि कैसा दिखता है। तो ये आज यहाँ की एक मॉल का नज़ारा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे कॉफ़ी शॉप्स है, बरिस्ता भी है, काफ़ी ब्रांडेड है शॉप्स, मैंगो और एप्पल शोरूम, बॉस का शोरूम, काफ़ी सारे हैं। अब ये हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रही हूँ जो भी ब्रांड्स यहाँ पे है। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें लेना था मेरा ईयरफोन्स और मेरे ईयरफोन्स नहीं मिल रहे थे, इसके लिए हम आए थे। यहाँ पे किड जोन था, तब मैं मेरे बेटे को याद कर रही थी कि वो भी आता तो वहाँ पे जाने की ज़िद ज़रूर करता। ये जो मैंने बरिस्ता बताया था, ये बरिस्ता है इस तरफ, और वो सामने दिखाई दे रहा है मैंगो। देखा, बड़ा ब्रांड यहाँ पे भी है। बस यहाँ से हम निकले, आगे देख रहे थे, शॉप ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें मिल नहीं रहा था कि ईयरफोन हम कहाँ से लें। हम जा रहे थे, वहाँ पे हमें बॉस की भी शॉप दिखी, वहाँ पे भी हमने पूछा, लेकिन उनके पास भी नहीं थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे ड्रेस के बारे में पूछा, यहाँ पे ड्रेसेस है लोगी क्या, आई सेड नो। ये ज्वेलरी का स्टॉल था, अफ्रीकन ज्वेलरी, मोस्टली अफ्रीकन ड्रेसेस, अफ्रीकन ज्वेलरी उसका स्टॉल्स था ये। फिर आ गए हम और ऊपर देखने के, यहाँ पे हमें जो चाहिए वो मिलता है क्या। तो सामने केयरफोर दिखा, तो हम केयरफोर में आ गए अंदर के, चलो पहले कुछ घर का सामान खरीद ले, उसके बाद में फिर आगे का देखते हैं। बहुत से लोगों को ये था कि अफ्रीका में खाने पीने की चीज़ें मिलती है नहीं मिलती है, तो उनके लिए बता दूँ कि यहाँ पे हर कोई ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड हो या उनके लोकल ब्रांड हो, हर कुछ, हर सब्ज़ी, हर फ्रूट, सब कुछ मिलता है। कुछ इम्पोर्ट भी होता है, लेकिन सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। जैसे ये बटर का सेक्शन था, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बटर्स थे यहाँ पे। वही हम देख रहे थे, ये कर्ड सेक्शन था, कर्ड लेना था। ये आइसक्रीम्स का सेक्शन था, यहाँ पे आइसक्रीम्स काफ़ी सारे ब्रांड्स के थे, मिल्क, आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, सब कुछ था। ये कोल्ड ड्रिंक्स का सेक्शन है, ये विंडो शॉपिंग हमारी चल रही थी। विंडो शॉपिंग देख रहे थे कि यहाँ पे और क्या क्या है, और आपको भी दिखाने के लिए वीडियो बना रही थी मैं। सब कुछ सामान ले लिया, अभी हस्बैंड यहाँ पे बिलिंग कर रहे थे। बिलिंग के बाद में अब हम जा रहे हैं
कॉफ़ी शॉप, तो चलो सोचा यहाँ पे कॉफ़ी पी लें। मी टाइम तो बिताना ज़रूरी है। ये रही मेरी, ये आ गई हमारी कॉफ़ी, ये मेरी कोल्ड कॉफ़ी, ये हस्बैंड की हॉट कॉफ़ी, और हस्बैंड जो है वो एम पैसा कर रहे थे, जैसे यहाँ पे इंडिया में गूगल पे होता है वैसे यहाँ पे एम पैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे एम पैसा किया जाता है, जैसे हमारे इंडिया में गूगल पे होता है बाहर की, वैसे यहाँ पे एम पैसा होता है। ये रहा फाउंटेन, ये यहाँ पे फाउंटेन दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर था इसलिए मैंने सोचा चलो क्यों ना इसे मेरा ब्लॉग देखने के लिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, बाय बाय। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है।